मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर के दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। साथ ही कई योजनाओं की सौगात अशोक गहलोत ने जनता को दी। आपको बता दें कि अब तक 1,17,00,000 से ज्यादा लोग महंगाई राहत कैंप से लाभान्वित हो चुके हैं और अब तक 5,37,40,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, ये वो 10 योजनाएं हैं जिन पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं से जोड़ना इस कैंप का उद्देश्य है और सभी 10 योजनाओं का लाभ इस राहत कैंप से लोगों को मिलेगा। 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैंप लगाया जा रहा है। तो ये आपको उद्देश्य बता रहे हैं, रोजाना 2,700 महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। इस कैंप में योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है, लोगों को जागरूक और सशक्त बनाने का उद्देश्य है। मैंने जो कैंप चल रहे हैं, आज 30 दिन हो गए, एक महीना हो गया, करीब 1,16,00,000 परिवारों को आज तक कार्ड मिल गए हैं और कार्डों की संख्या है 5,30,00,000 कार्ड, गारंटी कार्ड बन गए हैं, बताइए आप। और उसी में हमारी बहनें माता बैठी है, इनको मालूम होना चाहिए, आप उनकी मुखिया हो श्री जी। योजना जो है उनकी मुखिया महिलाएं हैं घर के अंदर, और जल्दी ही आप लोगों को, क्योंकि एक साथ सप्लाई होती नहीं है, 1,35,00,000 मोबाइल फोन अच्छी क्वालिटी के तीन साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, वो आपको मिलेगा मेरी बहनों को, माताओं को, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो मांगे छुटकर आ रही है हमारे बहनें और नौजवान साथी दे रहे हैं, उनके ऊपर भी हम एग्जामिन करवाएंगे, जो संभव होगा। तो सरकार चला के ही फैसले कर रही है, तो आप निश्चिंत रहो, टाइम लग सकता है, फैसले होगा तो हमारी कलम से ही होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं एकदम नहीं हो पाते हैं, सैकड़ों काम हुए नौकरी लगने वालों के, 1,50,000 से अधिक नौकरी लग चुकी है, 1,50,000 की नौकरियों का चल रहा प्रोसेस चल रहा है, कोई इंटरव्यू हो रहा है, कहीं एग्जाम हो रहे हैं, 1,00,000 मैंने घोषणा कर रखी है, कोई कमी नहीं आने देंगे। मुझे मालूम है कि कई कर्मचारी भी छोटी मोटी मांगे चलती रहती, स्ट्राइक करने जरूरत ही नहीं है आपको, जो आपके इतनी भयंकर लू और गर्मी है, क्यों तकलीफ आ रहे हो भाई, जब आपको हम चना के ओपीए दे सकते हैं, तो आप निश्चिंत रहो, जो आपकी मांगे हैं उनको एग्जामिन करवा के, एक विभाग की मांग होती है तो उसका असर सब विभागों में पड़ता है, फैसले करते वक्त में। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए नीति बनाई है, और तो और डिलीवरी के अंदर सोनिया गांधी जी ने मुझे पत्र लिखा था उस वक्त में कि एक महिला को खाली एक माही 6,000 रुपये मिलते हैं डिलीवरी पर, कम से कम आदिवासी क्षेत्र ट्राइबल का एरिया है वहाँ आपको चाहिए दो डिलीवरी से आप 6,000 रुपये दें, 6,000 रुपये दें। और मैंने उस पर आदेश निकाला था कि ट्राइबल एरिया के अंदर दो डिलीवरी तक 6,000 रुपये मिलेंगे। बाद में मैंने 2 साल बाद में तो पूरे राजस्थान के लिए कर दिया, पर कांग्रेस प्रेसिडेंट थी उस पर सोनिया गांधी जी, उनके कहने से हमने ट्राइबल एरिया के लिए विशेष ध्यान रखा था, बच्चों की लड़कियों की एजुकेशन फ्री कर रखी है। उड़ान योजना 600 करोड़ रुपए की है, ये जो आपको नैपकिन मिल रहे हैं, पहले संकोच में बोलते नहीं थे लोग, महिलाएं घूंघट में थी गाँव के अंदर, बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार उनको कभी कैंसर, कभी बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कई बीमारी हो जाती है, संकोच छोड़ो, हमने कहा 600 करोड़ रुपये हमने दिए हैं, नैपकिन बना रही राजनीतिक वाले बना रहे हैं, मेडिकल वाले बना रहे हैं, जो अमीर और पैसे वाले नैपकिन काम लेते हैं महिलाएँ महावारी के वक्त में, वही हमारे SC के हो, ST के हो, OBC के हो, ट्राइबल हो, सबको मिलेंगे गांव गांव के अंदर फ्री 12 नैपकिन एक